मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले गोपालपुरा स्टेट हाईवे पर पौंज नदी के पुल के पास उस समय सनसनी फैल गई जब यूपी के जालौन और एमपी के भिंड जिले के मिहोना इलाके की सीमा पर एक बम जैसी वस्तु के होने की सूचना उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की पुलिस को मिली। मामले की गंभीरता को समझते हुए जालौन पुलिस ने तुरंत मिस कॉल दस्ते को सूचना कर मौके पर पहुंच स्कॉट दस्ते के साथ छानबीन शुरू कर दी। पुरा विलेज का एक लड़का है, ही इज 20 to 25 ईयर्स ओल्ड, शायद वो थोड़ा विक्षिप्त बताया जा रहा है जी। उसके द्वारा एक वो नहाने गया था एक्चुअली रिवर पहुंच गए और वहां पे जब उसने डुबकी लगाई, पैसे निकालता हुआ एक्चुअली उसमें से डुबकी लगा के, तो साथ में वो एक उसको ऐसा देखा तो हैंड ग्रेनेड टाइप का है, ले आया और ले आया गाँव के लोगों ने से देखा और उसके हाथ में इस चीज को देखने के बाद उसको कह दिया कि यहाँ पे फेंक दो, तो उसने यहीं पे गड्ढे में गोपालपुरा जो ये हाईवे है उसके साइड में उसको फेंक दिया था। पुलिस को सूचित किया गया, तो पुलिस आई तो उसने देखा कि वो एक हैंड ग्रेनेड टाइप का है और सूचना हमने BDS टीम को दे दी है।